वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट करियर पॉइंट भाल की। आज की क्लास में हम देख रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 में। कल की क्लास में हम पार्ट वन किए थे और सेकंड आपको होमवर्क दिए थे। आज हम पार्ट थर्ड करेंगे और फोर्थ आप लोग होमवर्क करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इसका आपको फैक्टर बनाना है स्टूडेंट। चलिए सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए हल। सबसे पहले आप फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए कि ये जो पॉलिनोमियल है कसी रुकनिया है, इसका एक फैक्टर x प्लस वन है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, इसे फर्ज कर रहे हैं हम, लेट करके ले रहे हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर यहां पर रख देंगे तो जीरो आएंगी। तो देखिए ऐसा रहा था, हम इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस वन। अब जहां जहां पर x है वहां पर माइनस वन रखिए। अगर ये टर्म पूरा जीरो हो जाता है तो ये इसका पहला फैक्टर होता है। उसके बाद क्योंकि दर्जा तीन है तो इसके तीन फैक्टर होते हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले पी एफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस थर्टीन माइनस वन की पावर टू प्लस थर्टी टू माइनस वन प्लस ट्वेंटी। माइनस वन का क्यूब स्टूडेंट्स माइनस वन ही होता है, प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, थर्टीन इंटू वन थर्टीन हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस थर्टी टू इंटू वन थर्टी टू प्लस ट्वेंटी हो जाएगी। अभी देखिए स्टूडेंट्स, पहले जमा करना है, तेरह जमा बीस हो जाएंगे तैंतीस, माइनस वन माइनस बत्तीस माइनस तैंतीस। अब देखिए तैंतीस में तैंतीस गए तो जीरो स्टूडेंट्स। तो ये जो है इसका फैक्टर है। तो पहला फैक्टर हमें x प्लस वन मिल गया स्टूडेंट। अभी और दो फैक्टर करना है, पता करना है, तो वो कैसा करेंगे देखिए। x की तीसरी जमा तेरह x की दूसरी जमा बत्तीस x जमा बीस, इसको स्टूडेंट्स जो पहला वाला फैक्टर है x प्लस वन, इससे डिवाइड करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के उसके फैक्टर बना लेंगे। देखिए कल आपको मेथड दिखाया था हमें, पहला टर्म x की तीसरी, इसका पहला टर्म x, यहां से एक x, यहां का एक x चला गया तो x की पावर दो बच जाएगी स्टूडेंट। तो यहां पर लिख लिया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की तीसरी, वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ भी नहीं था इसलिए इसे रखेंगे। अब देखिए वैल्यू चेंज करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए तेरह एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या बच जाएंगे, बारह एक्स स्क्वायर बच जाएंगे, प्लस बत्तीस एक्स ऐसे नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस ट्वेंटी आ जाएगा। अभी देखिए बहुत ही इजी तरीका आपको, अब देखिए ट्वेल्व एक्स स्क्वायर है, यहाँ का पहला टर्म एक्स, ये एक्स है, इसमें का एक एक्स चला गया स्टूडेंट, तो ट्वेल्व एक्स बचा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्लस ट्वेल्व एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स इंटू ट्वेल्व एक्स, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, वन इंटू ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स। अभी देखिए प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कट गया, बत्तीस एक्स में माइनस बारह एक्स, बत्तीस में बारह जाएंगे तो बच जाएंगे बीस एक्स, ये बीस को नीचे उतार लेंगे। अभी ये फर्स्ट टर्म है आपका ट्वेंटी एक्स डिवाइड एक्स है, पहला टर्म एक्स एक्स चला गया बच गया बीस, तो जमा बीस एक्स इंटू बीस बीस एक्स, वन इंटू बीस प्लस बीस। अभी देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, प्लस बीस माइनस बीस, ये भी कट गया, बच गया जीरो जीरो स्टूडेंट। अब जीरो जीरो बच गया स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स जमा बीस, ये आपको मिल गया स्टूडेंट्स। अब यहां से आप फैक्टर बनाकर आसानी से बाकी के दो फैक्टर पता कर सकते हैं। देखिए कैसा करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो वन है, ट्वेंटी इंटू एक्स स्क्वायर ट्वेंटी एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए यहां से ट्वेंटी के फैक्टर बनाना है हमें, क्या क्या आएंगे, ठीक है, प्लस या माइनस करके
12 हो जाना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखेंगे क्या क्या फैक्टर हमारे बन सकते हैं 20 के। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, 10 दुगने 20 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वाला टैसा प्लस है तो यहाँ बड़े के साथ 10 प्लस 2 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। अब यहां से कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास x कॉमन आएगा, बच जाएगा 1x जमा 10 बच जाएगा, प्लस 2x प्लस 20, 2 दोनों में 2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकालिए x प्लस 10। अभी देखिए स्टूडेंट, दोनों ब्रैकेट से मैं एक मरतबा लिख लीजिए x प्लस 10, बाहर वाला x प्लस 2। ये आपके दो फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स। इसके बाद वाला पहले वाला जो लिए थे हम x प्लस 1, ये कैसे रोकने के 3 हमारे पास फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका सब क्वेश्चन, वो आप घर पे होमवर्क कीजिए और उसके भी फैक्टर पता कीजिए। थैंक यू सो मच।